आज का डिश में एक ऐसी मिर्ची के साथ बनाने वाली हूँ जिसे हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड घोस्ट पेपर के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग भूत जलोकिया कहते हैं, और इसको भूत जलोकिया चिली के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं पोर्क बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आलू, लहसुन, अदरक और सूखा लाल मिर्च, साथ में गोटा जीरा लिया है मैंने, धनिया गोटा धनिया भी लिया है। आज का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है घोस्ट पेपर, भूत जलोकिया जिसको हम लोग भूत जलोकिया बोलते हैं, और प्याज। चलिए पहले मसाला को पीस लेते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ इसके बारे में। मसाला में जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च सबको एक के साथ मिक्सर में पीस लूँगी, एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। अदरक को हमेशा काट के ही डालिए। हो गया हमारा पेस्ट। वैसे तो मैं मसाला हमेशा अपने सिलबट्टे में खुद ही पीसती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मिक्सी में पीस लेती हूँ। सिलबट्टे में पीसने का दिल नहीं हुआ आज मुझे, इसलिए मैंने मिक्सी में पीस लिया है। हो गया हमारा पेस्ट। चलिए अभी बनाते हैं। आज मीट में कुकर में बनाने वाली हूँ। असल में अभी मैं नहीं बना रही हूँ, अभी मेरा हस्बैंड बना रहा है। ये थोड़ा टाइम जब तक मसाला फ्राई करेंगे तब तक मेरा हस्बैंड इसको मुझे बना के देगा, क्योंकि ये जो चिल्ली है ना, ये जब ये मसाले में डाला जाता है ना, उसका बाद जो तेल ऊपर उठता है, अगर वो नाक में लगता है ना, बहुत जलता है, और मैं उससे बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत जलन होता है, इसलिए मैंने अपने पति को दिया बनाने के लिए। तेज़पत्ता और प्याज डाल दिया है तेल में, मस्टर्ड ऑयल लिया है, मैं ये मिर्ची का जो खाना बनता है उसको मैं खा सकती हूँ या कच्चा भी खा सकती हूँ, लेकिन ये बनाते समय ना, इससे जब फ्राई किया जाता है ना, तो उससे तेल जो उठता है ना, अगर नाक में लग गया, कहीं पे भी आपका लग गया ना, पूरा जलन होता है, इतना ख़तरनाक है ये मिर्ची। हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है ये चिली, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल। डाल दिया, उनको दो डालना था, मैंने एक डालने के लिए बोला, क्योंकि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा नहीं तो। देखिए भूत जलोकिया ज़्यादा टाइम फ्राई करने नहीं दिया मैंने, क्योंकि पूरा घर में इसका जो सेंट है वो फैल जाता है, और इतना जलन होता है ना नाक में ज़्यादा फ्राई करने से ये तेल में। नमक डाल दिया है, थोड़ा टाइम भून लेंगे ऐसे। अगर अपना इस मिर्ची को खाली तेल में फ्राई करके ना, तो बहुत जलता है। मसाला जितना भी मसाला हमने पीसा था सारा डाल दिया इसमें, टमाटर, हल्दी, ये जो मिर्ची है ना, इसको खाने से आपका गैस्ट्रिक नहीं होता है, इसका गुनी है ये बहुत, लेकिन इसको खाना मतलब हम लोग का यहाँ तो हर कोई खा लेता है, मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है इसको खाने में, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती हूँ। आलू डाल दिया इसको, आलू भी हमने भून के नहीं डाला है, ऐसे ही डाला है इसमें ना, ये आलू जो भूनने का ज़रूरत नहीं होता, ऐसे ही टेस्टी लगता है। वैसे मैं हमेशा मीट बनाती हूँ तो आलू को हमेशा पहले भून के डालती हूँ, इसमें नहीं डाला है। अभी मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। किसने किसने ये मिर्ची खाए है और किसने किसने नहीं, मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड, आपके यहाँ मिलता है या नहीं। इसका अचार मिल जाता है ऑनलाइन, आप इसका अचार मंगवा सकते हैं,
और सूखा भी मिलता है ड्राई। ऑनलाइन अगर आप चार्ज करोगे तो मिल जाएगा आपको, इसका अचार बनता है। इसका अचार में से अगर आप थोड़ा सा तेल भी ले लोगे ना तो बस तेल ही काफ़ी है, इतना ज़्यादा तीखा होता है ये। हो गया, पानी डाल दिया, फ्राई अच्छे से फ्राई हो गया मसाला। अभी इसको सीटी लगाएंगे, 3 सीटी लगाने से ये पक जाएगा अच्छा से। हो गया, अभी ठंडा होने देते हैं इसको थोड़ा, उसके बाद खोल लेते हैं। अच्छा लग रहा है देखिए, इसको अभी धनिया पत्ता डाल देंगे इसमें। हो गया ये कंप्लीट। फ्रेंड आपको ऐसा ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, आप भी बना के खाना इसको, और मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।